हेलो अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्सालय। और जो आज की हमारी वीडियो है वो है इमेज रिसाइजर पर। एज यू ऑल नो कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और वो एक पर्टिकुलर साइज़ में हमें अपलोड कर सकते हैं, वरना जो हमारा फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं करता है अगर कम या फिर ज़्यादा साइज़ की हमारे डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो अब इसमें हमारे को साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन इमेज को रिसाइज़ कर सकते हैं और वो भी बहुत आसान स्टेप्स में। तो आज ही मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप ऑनलाइन अपनी इमेज को रिसाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है, और जैसे ही आप गूगल या फिर क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हैं, और सर्च बॉक्स में आपको इमेज रिसाइजर ऑनलाइन टाइप करना है और सर्च करना है वेब पेज पर। जैसे ही आपका वेब पेज खुलेगा, आपको बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे दिखाई देंगे, और अगर आपको किसी लिंक को खोल के इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने को कहता है, तो आप इसको इस लिंक को बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। आप बैक जाइए और जो आप थर्ड लिंक देख रहे हैं इसको ओपन कीजिए। बहुत ही सिंपल है और इसका नाम भी वेबसाइट का सिंपल इमेज रिसाइजर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट इमेज करना है, और जो भी आपकी इमेज है जिसको आपने को रिसाइज करना है उस इमेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का रिसाइज है, उसको आप क्लिक करेंगे और ये जो कुकीज़ है इनको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से अपनी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। कितना ईजी है ये इमेज रिसाइज करना इस लिंक से, यहाँ से आप इसको प्रेस करके डाउनलोड इमेज कर सकते हैं, आपकी इमेज डाउनलोड होगी। इसी तरह से मैंने एक और इमेज को रिसाइज किया है, आपने सेलेक्ट किया इमेज, यहाँ पे आ गया, रिसाइज किया और वहाँ से आपने ऊपर ग्रीन बटन से डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे जस्ट एक क्लिक कीजिए और डाउनलोड इमेज कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि दोनों के साइज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क था। मैं अब यहाँ पर गैलरी खोल रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस है। ये पहले वाली इमेज थी मेरी, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगा आपका। आप डिटेल्स देख सकते हैं, फाइल साइज़ है 20 KB, 20 KB इस ओरिजिनल फाइल का साइज़ है। अब मैं बैक जाऊँगी और जो मैंने अभी इमेज रिसाइजर से रिसाइज़ किया है उसकी डिटेल्स देखे तो 5.86 KB, मतलब 15 KB आपका आसानी से एक मिनट में कम हो गया। अब इसी तरह से मैं ये वाली डिटेल्स देखूंगी इस इमेज की, आप देख सकते हैं 135.77 KB, और जबकि हमारे को फॉर्म में चाहिए 50 KB एटलीस्ट, और ये बहुत ज़्यादा है। अब मैं न्यू जो मैंने रिसाइज किया है उसकी डिटेल्स देखूंगी, 48 KB। आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में हमने इमेज को रिसाइज कर लिया, और जितना अकॉर्डिंगली हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म में साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम साइज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, अब हमें बिल्कुल भी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस सिंपल इमेज रिसाइजर से, इस वेबसाइट से आप 2 सेकंड के अंदर अपनी इमेज रिसाइज कर सकते हैं। और इस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि 50% या फिर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा, आप अकॉर्डिंगली अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपनी इमेज को, डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं। और आप देखिए ये आप इसका सिंबल देख लीजिए, एक ग्रीन कलर का एरो है, आपको यहीं से करना है। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।